वाराणसी पोस्ट चोलापुर ग्राम ममैया के अफसा अंसारी 15 साल की हाई स्कूल की मासूम सी बच्ची पानी की समस्या से बहुत ही परेशान है। उसका कहना है कि 500 मीटर की दूरी से रोजाना तय करती है और एक घंटे धूप में खड़े रहने के बाद वहां से पानी प्राप्त कर पाती है। और ऐसे ही इस गांव के 250 लोगों के लिए ऐसी ही समस्या 5 साल से लेकर अब तक बरकरार पड़ी है। मैं शबनम और ये है मेरा समुदाय। पानी की समस्या में क्या बताएं, यहाँ तो पानी इतने दिनों से हमारी पैदाइश ही हुई है यहाँ पे, पानी आज तक नहीं लगा यहाँ चापाकल हैंडपंप। जितने नेता लोग आते हैं और कहते हैं इसके लगे आश्वासन देकर चले जाते हैं और लगता नहीं पानी है। यहाँ से 400 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, मोहल्ले वाले सभी लोग परेशान हैं पानी के लिए। काफी दिनों से यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी के लेकर, और यहाँ की जनता और यहाँ की पब्लिक या माताएं बहनों जो हमारी हैं, बहन बिटिया स्कूल की बच्ची हैं जो, तो कम से कम 500 मीटर दूर से हम लोग को पानी लाना होता है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। बच्चियाँ कपड़ा वपड़ा नहीं कचा पाती हैं, सही ढंग से अपना ड्रेस धो नहीं पाती हैं, तो ज्यादातर से दिक्कत यहाँ हम लोग को पानी की है। कितने साल से इस गांव में आप रहते हैं? अरे हमारा हो गल है जन्म 40-42 बरस हो गल उम्र, और मतलब 40 सालों में अभी एक भी हैंडपाइप नहीं लगा यहाँ। हैंडपाइप निजी लगा था, वो सब फेल हो गया। 5-6 साल से ज्यादा समस्या, जब से कुआं सूखा है तब से ज्यादा समस्या है। उधर सब मशीने लग गई, उसके बाद से और ज्यादा समस्या हो गई। छोटे छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे बहुत समस्या होती है, गाड़ी आती जाती है, वहाँ पानी के लाने में एक्सीडेंट 5-6 रोज का है। मैं चाहती हूँ कि ग्राम सरपंच इसकी सही जांच करते हुए उनके आवश्यकता अनुसार हैंडपाइप लगवाए। मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करना चाहती हूँ कि ग्राम सरपंच को हैंडपाइप लगवाने के दबाव में इस नंबर पर कॉल करें, 9554650600 पर कॉल करके हमारी मदद करें। मैं शबनम वाराणसी जिला के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।